उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद मुरादाबाद इकाई द्वारा मंगलवार को धरना दिया गया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में गल्ला विक्रेताओं ने मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार गल्ला वितरण प्रणाली पर प्रतिबंध करेगी तो कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी के कारण परिवार का लालन पालन करना भी मुश्किल हो जाएगा। सभी का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो कम से कम 10 लाख लोग भूखे मरने लगेंगे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मांग की है कि सभी गल्ला विक्रेताओं को मानदेय देकर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ई पॉश मशीन द्वारा काफी संख्या में कार्ड धारकों के आधार कार्ड अपडेट होने के बाद भी मशीन द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर काफी संख्या में कार्ड धारकों द्वारा अपने आधार कार्ड विभिन्न कारणों से अपडेट नहीं कराए गए हैं। इस स्थिति में जब तक कार्ड धारक अंतिम रूप से अपडेट ना करा लें तब तक प्रॉक्सी की व्यवस्था अथवा बिक्री रजिस्टर से वितरण की अनुमति दी जाए। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करके उसके विपक्ष में वो DBTL डायरेक्ट प्रॉफिट बेनिफिट योजना यानी कि उपभोक्ता के खाते में पैसे भेजने का व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे कि हम लाखों राशन विक्रेता जो कि भारतवर्ष में लगभग 5.5 लाख के करीब हम लोग हैं और प्रदेश के अंदर हम करीब 80 हज़ार के लगभग बैठते हैं और ये सारी व्यवस्था अपने लागू करने योजना लागू करने पर हम लोग बेरोजगार होने की स्थिति में हमारे भरण पोषण का क्या होगा, इसी बात को लेकर के इसी चिंता को लेकर के हम लोग आज हड़ताल सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों को अभी पूरा ना किया गया तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जो उन्होंने ई पॉज मशीन दी हैं वो बहुत ही निम्न स्तर की हैं, वो ना तो जिन लोगों के आधार कार्ड अपडेट हैं वो भी नहीं पकड़ रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी वो हम पर थोपते हैं कि आपके दुकान पर ई पॉज मशीन से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्टिविटी उसकी आए दिन कनेक्टिविटी जाती है ना ही उसका हमें खर्च चार्जिंग का खर्चा दिया जा रहा है, उसमें लगभग 50 रुपये का एक रोल रखता है उसका भी हमें कोई खर्च नहीं दिया जा रहा, उस पर भी हमारे ऊपर अतिरिक्त भार बोझ पड़ गया है जिससे और हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। यदि इस योजना को उन्होंने लागू किया तो हम इतने लोग जो कि लगभग हम 5.5-6 लाख भारतवर्ष में हैं 80 हज़ार के करीब हम उत्तर प्रदेश में हैं हम बेरोजगार हो जाएंगे और भूखमरी और हमारे परिवार कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, हम कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। नहीं तो क्या आप इसको ई प्रणाली जो ये लागू जो हो रही है तो क्या आप इसके विरोध में हैं या आज हम इसका विरोध जताने आए हैं और यदि भी अब भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, हम कार्य व्यवस्था बिल्कुल ठप कर देंगे, वितरण व्यवस्था ठप कर देंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन के लिए आपने गांधी मूर्ति के नीचे आपने प्रदर्शन चालू कराया, यही जगह क्या चुनी? ये गांधी जी का कहना था सबको न्याय मिले, इसीलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसी के विरोध में हम सभी लोग गांधी मूर्ति पर एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हमारा भी प्रदर्शन अहिंसक ही है, कोई हिंसा हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए गांधी मूर्ति के नीचे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। DBTL का हम कोई पुरजोर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने जो डीलर बेरोजगार हो जाएंगे उनके लिए क्या सोच रही है सरकार। हमारी ये मांग है कि सारे डीलरों को सरकारी कर्मचारी की तरह समायोजन किया जाए और उसका समायोजन करके हमें भी वेतन दिया जाए या हमारा भत्ता जो है 30,000 रुपये प्रतिमा दिया जाए, तब DBTL लागू कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब भी ऑनलाइन वितरण हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन सरकार फिर भी जो है शोषण करने पर लगी हुई है, इसलिए हम भी एकजुट होकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे यदि DBTL की योजना लागू करेगी सरकार।